गुड मॉर्निंग, आपकी संस्कृत क्लास और क्लास 10 चैप्टर 4, ठीक है। 4 चैप्टर है। चतुर्थ पाठ सुभाषितानी, सुंदर भाषा, ठीक है, सुंदर बोली, सुभाषित, सुभाषित पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऑफ है ये, ब्रैकेट पेपर देखेंगे अपन। सुभाषितम इत्यस्य अर्था, सुभाषितम का अर्थ क्या है? सुमी सुष्ठु, भाषितम सुंदर बोली, सुंदर भाषा, कथितम कहना, इति है ना, सम्यक भाषितम सुभाषितम भवति, अच्छी भाषा, अच्छा बोलना ही सुभाषित कहलाता है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते, सुंदर बोलना, सुंदर भी वह भी सुभाषित कहलाता है। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभवः छन्दोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तूयते, ठीक है ना। सुभाषिते महापुरुषाणाम, महापुरुषों के अनुभव में छंदोबद्ध श्लोकों ने प्रस्तुत, वो जो अनुभव थे उनको छंदबद्ध करके श्लोक में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तादृशानि कानिचित सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते, ठीक है। तादृशानि, उनमें से कानिचित कोई सुभाषित भी कहे जाते हैं, ठीक। वही जैसे चलेंगे, फर्स्ट पे है सज्जन प्रशंसा, ठीक है, सज्जन की प्रशंसा फर्स्ट नंबर पे, वेट, फर्स्ट सज्जन प्रशंसा। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति शन्तो महायशा, ठीक है महाशया। गंगा पापम, गंगा जो है वह पाप को धुलने वाली है, शांत करने वाली। शशीतापम, शशि मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा ताप, ताप मीन्स गर्मी को शांत करने वाली है। दैन्यम कल्प तरुस्तथा, और यदि कल्प वृक्ष पे हमारी दीनता गरीबी को नष्ट करने वाला है। पापम तापम च दैन्यम च, ठीक है, पाप को, हमारे ताप को, गर्मी को, और दैनता हमारी दीनता को, गरीबी को, घनंति घृंति नष्ट करने वाले कौन है? वो है संत महात्मा, ठीक है, जो संत महाशय। तो ये सब चीजें एक एक करके एक एक चीज ही नष्ट कर पाती हैं, खत्म कर पाती हैं, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो तीनों इकट्ठा कर देते हैं। पाप भी हमारे खत्म कर देते हैं, ताप हमारे गर्मी शांत कर देते हैं, और दैन्यम च दीनता हमारी गरीबी को भी नष्ट कर देते हैं, ठीक। सेकेंड पे चलेंगे, जैसे दान की प्रशंसा है ना, दान प्रशंसा है। दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन वैरान्यपि यान्ति नाशं, परोपि बन्धुत्वं वैति दाने, दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दान से व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। दानेन वैरान्यपि यान्ति नाशं, ठीक है, दान से हमारी जो शत्रुता है हमारी वो आदि नष्ट हो जाती है, ठीक है, जो हम किसी शत्रुभाव रखते वो कम हो जाता है। परोपि बंधुत्व उपैति दाने, और परोपि मीन्स दूसरे व्यक्ति भी दान के फलस्वरूप हमारे भाई बंधु बन जाते हैं। दानम ही सर्वेश्नानि अंत, इसलिए कहा गया है कि दान ही सभी विष्णों को नष्ट करने वाला है, है ना, सभी बुरी आदतों को नष्ट करने वाला है। थर्ड पे चलेंगे, उद्यम प्रशंसा है ना, उद्यम मेष होता है उद्यम परिश्रम, उसकी प्रशंसा की गई है। ना तुच्च शिखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम ना प्यपारो महोदधि, है ना, ना प्यो उच्च शिखरो, है ना, जो उच्च शिखर है, जो ऊंचा पर्वत है वह ऊंचा नहीं पता चलता। कब? मेरुर नाति नीचम, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जो रसातल है वह ज्यादा गहरा पता नहीं चलता, ठीक है। व्यवसाय द्वितीयानाम, क्योंकि जो कर्मशील उद्यमशील व्यक्ति हैं वो उनको समुद्र तक पार करने में भी कोई समस्या नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिए गए उद्यम पुरुष के लिए, जो मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए ना तो शिखर ऊंचा है, ना पर्वत ऊंचा है, ना रसातल, ना पृथ्वी धारा जो पाताल है वह नीचा है, और ना ही उसे वो महोदधि में समुद्र सागर पार करने में कोई समस्या। फिर है नेक्स्ट पे वीर पुरुष, है ना, वीर पुरुष की प्रशंसा की गई, कैसा वीर पुरुष होना चाहिए। बिना प्यर्थ ही वीरा स्पृशति बहुमानो नतिम पदम, ठीक है, बिना अर्थ ही, बिना धन के भी जो वीर होता है वह सब जगह सुशोभित होता है। समायुक्तो अर्थ ही परिभव पदम याति कृपणा, और यदि उसके पास बहुत सारा धन है, यदि वह कंजूस है तो वह सुशोभित नहीं होता है। स्वभावादुभूताम गुण समुद्वाप्ति विषयाम, ठीक है, स्वभाव जो होता है उसे गुण आदि की जो विषय है, जैसे द्वितीय सहन, जैसे एक कुत्ते को सजा करके और बैठा दिया जाए
तो लोग उससे भयभीत नहीं होंगे। जबकि एक शेर एक सिंह को साधारण ही बैठा दिया जाए, वह अपने ही वेश में बैठे तो सब लोग डर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो बलवान पुरुष होता है उसके पास भले ही धन ना हो लेकिन उससे लोग भयभीत रहते हैं। और यदि कोई पैसे वाला व्यक्ति है और भले वह कंजूस है तो उससे कोई डरता भयभीत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले गए। गुणों की प्रशंसा, गुणों की प्रशंसा की गई है। गुणा कुर्वन्ति भूतत्वं दूते दूरे पिपशताम शताम केतकी गंधमाग्रय स्वयमायन्ति षट्पदा। ठीक है, गुणों को कैसे कहा गया कि गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं, जो गुण हमारे होते हैं वे दूतों का काम करते हैं। ठीक है ना, वशताम सताम केतकी गंधमाग्रय स्वयं आयन्ति षट्पदा, वैसे ही जैसे केतकी का फूल होता है उसकी स्मेल से उसकी महक को लेते हुए षटपदा, षटपदा में होता भवरा। ठीक है, भौरा, तो उस पुष्प की महक से भौरे आ जाते हैं। सेम ही जैसे गुणवान व्यक्ति होते तो उनके गुणों को समझ करके और समझते हुए जो भी शताम मीन सज्जन पुरुष अच्छे व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। 6 नंबर श्लोक है वाग्भूषण। ठीक है, वाणी की सुंदरता या वाणी रूपी आभूषण। केयूरा न विभूषयन्ती पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्ये काशमलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते कुलु भूषणानि शततम वाक् भूषणम भूषणम। ठीक है ना, केयूरा न विभूषयन्ती मीन्स केयूर आदि के जो पुष्प सुशोभित। ठीक है, और पुरुषम हारा न चंद्रोज्वल, उसके बड़े हार आदि माला आदि पहना दिया जाए, चांद की छटाओं से उनको सजा दिया जाए, ना स्नान उसको स्नान कराया जाए, विलेपन ना कुसुम फूल आदि हैं अलंकृत करके उसको सजा दिया जाए तो वह सुशोभित नहीं होगा। सुशोभित कब होगा, वाणी का समलंकृति, जब उसकी वाणी में सजावट हो। ठीक है, वाणी में सुंदरता हो, अलंकृत हो उसकी वाणी, वह पुरुष जो होता है वह सुशोभित होता है। ठीक है, उसकी वाणी जब संस्कार में होगी तो वह व्यक्ति सुशोभित होगा, ना कि जो उसको इतना सजा दिया जाए ये फूल माला आदि सब पहना दिया फिर भी वह सुशोभित नहीं होगा। ठीक है, श्रीयंते खलु भूषणानि सत्तम वाक्य भूषण। ठीक है, तो उसकी वाणी की संस्कृति, वाणी की सुंदरता, सभी लोग उसके जो शत्रु को मित्र हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे क्षमा, है ना। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति आत्रिणे पतितो वनिः स्वयमेवोपशाम्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य, ठीक है, क्षमा शस्त्र ऐसा है, ये अस्त्र ऐसा क्षमा करने वाला, किससे दुर्जन दुष्ट व्यक्ति हुए कुछ नहीं कर पाता। आत्रिणे पतितो वनिः, ऐसे ही जैसे आत्रिण मीन्स होती है घास। ठीक है, पतितो मीन्स नीचे गिरना, जैसे घास नीचे गिरती है स्वयमेव भी साम्यति, लेकिन वहां पर यदि घास नहीं है तो यदि अग्नि भी गिरी तो किसी को जला नहीं पाएगी। ठीक है, ऐसे यदि शांत व्यक्ति है, क्षमा व्यक्ति, क्षमावान व्यक्ति है तो उसके सामने शत्रु उसका कुछ नहीं कर पाएगा। इसके पास है 8 नंबर मित्रम प्रीतिरसायनम नयनो रानंदनम चेतुष पात्रम यत सुदुखयो सभवे मित्रेण तत् दुर्लभम एचान्ये शूरदा समृद्धि शमय द्रव्याभिलाषा कुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्तु निकस्क्रावा तु तेषां विपद। मीन्स मित्रम प्रीति रसायनम, मित्र ऐसा हो जो हमारे मन को भाए। ठीक है, या वो एक औषधि के समान हमें शांति प्रदान करे। नयनोरानंदनम, हमारे नेत्रों को अच्छा लगे, हमारे चित्त को अच्छा लगे। पात्रम यत् सुदुखयो सौभवित्रेण, जो सुख दुख में साथ दे ऐसा मित्र मिलना दुर्लभ है। ए चान्ने शोरदा समृद्धि समय, ऐसे संबंधी तो बहुत होते हैं जो समृद्धि के समय साथ रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ते सर्वत्र मिलंती, वो हर जगह मिल जाते हैं। तत्व निकस ग्रावा तू तेषाम, और जो विपत्ति में साथ रहे, जो विपत्ति में मिले ऐसा पुरुष, ऐसा मित्र मिलना असंभव है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये नेक्स्ट 9 नंबर उस पर भी चलेंगे। सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणा अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। ठीक है, सर्वस्यम हि परीक्षन्ते, सभी की परीक्षा की जाती है कब, गुणों के समय। अतीत्य हि गुणान् सर्वान्, ठीक है, यदि व्यक्ति में गुण होंगे तो वो उसके गुणों से वह उसके मस्त मस्तक में सुशोभित होगा। ठीक है, अल्पज्ञ स्वभाव, फिर इसमें है अल्पज्ञ, जिसे कम ज्ञान हो उसके स्वभाव का वर्णन किया गया है। यदा किंचित गोहम गज इव मदान्त संभवा, यदा मीन्स जब, किंचित मीन्स थोड़ा, जब
अज्ञान में ज्ञान था, तो मैं हाथी के जैसे मत में अहंकार होता वैसे मुझे अहंकार था। तदा सर्वज्ञो अमित भवलक्ति तम मम। इसके बाद धीरे धीरे मैं इतना लोभी था, अभिमान में संलग्न था। यदा किंचित किंचित, जब थोड़ा थोड़ा मैं बुद्ध जन अच्छे व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति विद्वानों की संगति में आया, तो तदा मूर्खो स्मृति ज्वर इमदो में बढ़ता। जो मेरा जो घमंड था वह उसी तरह दूर हो गया, जो मूर्खता का घमंड था वह उसी तरह दूर हो गया, जैसे हाथी का जो गध का जो मद है वह शांत हो जाता। ठीक है, सो आपका ये चैप्टर क्लियर। इसके बाद पार्ट टू एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।